अमरोहा, वही जगह जहां से मोहम्मद शामी बिलोंग करते हैं। और आज मोहम्मद शामी के फैंस आपको ना सिर्फ देश के हर कोने में बल्कि शायद दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। इस वक्त टीम इंडिया कहां है? टीम इंडिया अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अब अहमदाबाद के लिए निकल चुकी है। मुंबई से अहमदाबाद जाएगी टीम इंडिया, जहां 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज फाइनल मुकाबले में किसका सामना करेगी टीम इंडिया 19 तारीख को, वो भी तय हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के एडन गार्डन्स में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टीम इंडिया जो है इस वक्त ट्रैवल कर रही है मुंबई से अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद में जाकर कुछ वार्म अप सेशंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और फिर 19 तारीख की तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारा तो फाइनल का टिकट मिल चुका है। और फाइनल का टिकट क्यों मिला है, कैसे मिला है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों की मेहनत लगी है। उसमें विराट कोहली का 50वां ओडीआई शतक भी शामिल है, उसमें श्रेयस अय्यर की सेंचुरी भी शामिल है, उसमें रोहित की कप्तानी भी शामिल है, और सबसे बढ़कर उसमें मोहम्मद शमी के 7 विकेट भी शामिल है। तो चलिए अब आपको एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू दिखाते हैं। थोड़ा पुराना इंटरव्यू है ये मोहम्मद शमी का, जो दरअसल 2012 का है, दिसंबर का, जब उन्होंने एबीपी नेटवर्क से बात की थी अपने ओडीआई डेब्यू से बस कुछ ही दिन पहले। वो ओडीआई डेब्यू था पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलना एक सपने को पूरा करने जैसा महसूस कर रहा हूँ। और इंटरव्यू में उन्होंने वसीम अकरम की भी जमकर तारीफ की थी। हाँ, मेरा सपना था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडिया और पाकिस्तान के मैच में था, और मेरा उन्हीं के अगेंस्ट मैं इंडियन टीम में हूँ, तो मेरा यही सपना रहेगा कि मैं इसमें डेब्यू करूँ। काफ़ी कुछ हेल्प मिला है मुझे उनसे, क्योंकि 1.5-2 महीना हम लोग नाइट राइडर्स में भी साथ रहते हैं, फिर अफ्रीका में भी हम, तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट, इतना बड़ा बॉलर हैं वो, क्योंकि दुनिया उनको मानती है, और काफ़ी कुछ वो रीड करते हैं और बताते हैं कि हाँ क्या कैसे करना चाहिए, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, और काफ़ी कुछ हेल्प भी है मुझे, काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा बॉलर मेरे लिए कुछ बोलता है और मैं उसको करता हूँ, और मैं अभी जो हार्ड वर्क करता आ रहा हूँ उसका रिजल्ट निकल भी रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ। देखिए, पाकिस्तान के स्विंग सेंसेशन वसीम अकरम जब मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं तो हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब का, क्योंकि वसीम अकरम हर शो में आकर लगातार कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में अगर किसी गेंदबाज ने अपनी छाप छोड़ी है तो वो मोहम्मद शमी है। ऑलरेडी वर्ल्ड कप्स में 4 बार 5 विकेट हॉल उन्हें मिल चुके हैं, और वसीम अकरम कह रहे थे इस इंटरव्यू के, हमें तो एक भी नहीं मिला। जी हाँ, देखिए, मैंने पहले भी जब IPL खेल रहा शुरुआत की थी, IPL की शुरुआत हुई थी, तभी वसीम अकरम ने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया को 2 ऐसे बॉलर मिलने वाले हैं, उमेश यादव और मोहम्मद शमी के लिए कहा था उन्होंने कि ऐसे बॉलर मिलने वाले हैं जो उनका, इंडिया का बहुत नाम करेंगे। और आज मुझे वो बात याद आती है उनकी, वसीम अकरम के इंटरव्यू मैंने सुना था, जब मेरे ख्याल से 2रा साल था IPL का शमी का, उसको मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, तो तभी का मुझे आज, जब मैं कल 7 विकेट देख रहा था उसके, तो मुझे याद आ रहा था वसीम अकरम का। मैं कहीं से जिक्र भी कर रहा था कि देखिए, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर इसीलिए ऐसे ही नहीं है, उन्हें पहचान है बॉलर की। बिल्कुल, और देखिए, जब उस तरह पर कोई भी गेंदबाज, कोई भी बड़ा खिलाड़ी हमारे किसी खिलाड़ी की तारीफ करता है, वो भी पड़ोसी मुल्क में बैठकर और पूरी दुनिया के सामने इस टैलेंट की और बातें लेकर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और लगातार मोहम्मद शमी के बारे में ये चर्चा जारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।